चंदा कैसेट्स। ठीक है सुदामा जी, अगर आप अपने को श्री कृष्ण जी का यार बताते हो तो ये सब बातें मैं जाकर श्री कृष्ण जी को बताता हूँ। तुम अभी यहीं ठहरो। जी भैया, तुरंत जाइए भैया। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, कैसे आना हुआ? सुदामा बतलाता के भक्त से थारा डोडी आगे खड़ा हुआ मेरे बिपता का मारा। नाम सुदामा बतलाता के भक्त से थारा। कपड़े फटे पुराने दीन दुखियाना। नाम सुदामा बतलाता के भक्त से थारा। भक्त कोई दुख में से बिहार
देख उसे आवे घना मलाल ऋषि पाल के राग में बाजा ढोलक नगारा नाम सुदामा बतलाता पे भक्त से थारा डोडी आगे खड़ा हुआ पैर पिता का मरा नाम सुदामा बतलाता क्या कहा ब्राह्मण सुदामा मेरे बचपन का यार मुझसे मिलने आया है। जी महाराज वो आपका ड्यूटी पे इंतजार कर रहा है महाराज। सुदामा कृष्ण मेरे बचपन के यार तेरे दर्शन करकर आज मैं धन्य हो गया। सुदामा कृष्ण मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। सुदामा मेरी आत्मा आज प्रसन्न हो गई। सारी क्यों ना
सबके चतने फूके काम मित्र सुदामा, तुम्हें देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। आओ आओ मित्र सुदामा, मेरे साथ आओ। तुमने ये क्या हाल बना रखा है सुदामा? तुमने इतने दुख उठाए और तुम फिर भी मुझसे मिलने नहीं आए सुदामा। बोलो सुदामा, शर्माओ नहीं, बोलो क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है सुदामा, बोलो। शिकवा शिकायत थी दिल में तेरे जो मेरे घर न आए सुदामा बता। रही बचपन से यारी तेरी और मेरी कभी एक दूसरे
तेरी नजरों में फिर भी तू निर्दोष है, मेरी नजरों में फिर भी तू निर्दोष है, क्यों अब भी छुपाए सुदामा बता, कुछ तो बोलो जुबा से ओ यार मेरे, इतने दुख क्यों उठाए सुदामा बता। राजा, मुझे डर लगता था कि तुम मुझे पहचान पाओगी कि नहीं, इसलिए आने से डर लगता था। क्या तुम्हें अपने बचपन की यारी पे भरोसा नहीं है? और ये तुम काख में क्या छुपा रहे हो? ब्राह्मणी ने भेजा ले
कर दिया प्यारी भाभी ने ते राजसत्कार सुदामा रे मेरी सुदामा जी, भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं और तुम इन्हें छुपा रहे हो। ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है। याद है एक बार तुमने मेरे हिस्से के चने खा लिए थे। तुमने ये बचपन की आदत अभी छोड़ी नहीं है।
ठहरिए स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? दो मुट्ठी चावल में आप दो लोग दे चुके हैं, कुछ आप अपने लिए भी तो बचा के रखिए। ये मेरे बचपन का मित्र है और मेरा भक्त भी है, मैं तो सदा भक्तों का आभारी रहता हूँ और मैं भक्तों के लिए ही बना हूँ। मैं तो सुदामा जी के लिए सब कुछ लुटा सकता हूँ। सुदामा जी, अब आप आए हैं तो दो चार दिन यहीं पर ठहर जाइए, जिससे मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा और मुझे आपकी सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है कृष्ण, जब तुम कहते हो तो मैं दो चार दिन ठहर कर ही जाऊंगा। द्वारपाल, लो सुदामा, इन मैले कुचैले कपड़ों को उतार कर ये नए वस्त्र धारण करो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। द्वारपाल, जाओ और जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाकर लाओ। प्रणाम महाराज, मुझ सेवक को किस लिए याद किया महाराज? शीघ्र सुनो विश्वकर्मा, तुमने द्रविड़ देश में जाना, के करना मन द्रविड़। जल्दी जाके महल बनाना, के करना मन द्रविड़।
करे बढ़ाई सारे। आलीशान महल में दिखे झांकी तार चुबारे, महला में जो होया करे मैं काम करूंगा सारे। स्वर्ग धाम के द्वारे हो रे, स्वर्ग धाम के द्वारे हो जो दिखे महल सुहाना, के करना मन द्रविड़ देश में राजन काम बताना। शीघ्र सुनो विश्वकर्मा तुमने द्रविड़ देश में जाना, के करना मन द्रविड़ देश में राजन काम बताना। महाराज, मैं आपकी यारी से अति प्रसन्न हूँ। आपके दिल में भक्तों के प्रति इतना प्यार देखकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो उठा। महाराज, मैं अभी द्रविण देश जाता हूँ महाराज, और आपके मित्र सुदामा का ऐसा महल बनाऊंगा जो सुदामा जी उसे देखेंगे तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। महाराज, क्या ब्राह्मण सुदामा की कुटिया यही है? प्रणाम महाराज। जी हाँ, यही है, परंतु आप कौन हैं? मिस रानी तू रानी हो गई, मिस रानी किस।
मिसरानी, ये सब तुम्हारे पति सुदामा के यार कृष्ण की देन है, जो आज तुम महारानी बन गई हो। आज के बाद तुम्हें ये कंगाली कभी नहीं सहनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। हे श्री कृष्ण कन्हैया, आपकी कृपा से हम कंगाल से राजा बन गए हैं। आपने मेरे बच्चों की बिलकती भूख और हमारे कंगाली को दूर कर दिया है। धन्य हो कृष्ण मुरारी, धन्य धन्य हो तेरी यारी। अच्छा भाई कृष्ण, अब मुझे चलना चाहिए। मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी बाट देख रहे होंगे। सुदामा, दो चार दिन और ठहरो, क्यों बार बार जाने की जिद करते हो? क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई सुदामा? नहीं नहीं कृष्ण, ऐसा ना कहो। मेरा मन अब यहाँ नहीं लग रहा है, मुझे अपने बच्चों और अपनी पत्नी की याद आ रही है। ना जाने वह कैसे कैसे समय काट रहे होंगे। रसनिए काना, मन अपने घर जाना, चले जाना ठहरो यार तुम, क्यों जावन की कहते हो बारंबार तुम। रसनिए काना, मन अपने घर जाना, चले जाना ठहरो यार तुम, क्यों जावन की कहते हो बारंबार तुम।
सुनिए काना, मन अपने घर जाना, चल जाना ठहरो यार तम, क्यों जावन की कहते हो बारंबार तम। सुदामा, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले ये राशि वस्त्र उतार देना। क्या? और वो फटे पुराने वस्त्र पहन लेना जो तुम पहन कर आए थे। ठीक है कृष्ण, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सुदामा, अपने इस बचपन के यार को भूल ना जाना, आते जाते रहना। अच्छा कृष्ण, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सुदामा, भाभी श्री को प्रणाम कहना। हे कृष्ण, मुझे तो पहले ही पता था कि तेरे दर पर आकर मुझे निराश ही लौटना पड़ेगा, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानी, मुझे जबरदस्ती तेरे पास भिखारी बनाकर भेज दिया। तूने इस दुखियारे का दुख नहीं समझा, तूने यार की यारी को नहीं समझा। मैं तो यहाँ पर ये आशा लेकर आया था कि तेरे दर पर आकर मुझे कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन तूने ये दिखा दिया कि कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब की दुनियादारी है। शायद विधाता ने हमारे नसीब में दर दर के धक्के खाने ही लिखे हैं। दुखिया रे सणयार, कैसा तेरे सणयार, दुखियार का दुख ना मेटा, कैसा तेरे सणयार, कैसा तेरे सणयार।
बंधाया सदा रे रहेगी रंग में काया से दुख का संसार कैसा करे सनयार यह क्या? अरे यहां तो मेरी कुटिया थी, ये महल किसका है? वाह कृष्ण, तेरे दर पर जाकर उससे कुछ मिलने की बजाय मेरी एक टूटी फूटी कुटिया भी छीन ली। मेरे बीवी बच्चे कहां होंगे? आइए स्वामी, ये महल आपका ही है। मेरा महल? पर मेरी तो एक टूटी फूटी कुटिया थी, तुम किसके महल में महारानी बनकर खड़ी हो? यो किसका महल सुशीला जिस मेरी यो किसका महल सुशीला जिस में सजी खड़ी री महारानी।
मकान सुशीला, म्हारे महल मकान सुशीला, हुई दुनिया ते न्यारे। भाग जाग गेरी मारे, सारी नगरी में खुल गए पिया स्वर्ग धाम के द्वारे। प्यारे यार श्री कृष्ण ने हो, प्यारे यार श्री कृष्ण ने बदली आज कहानी। मौज खड़ी हो गई पिया जी, दूर हुई परेशानी, किसका की लीला परंपार है जिसे मैं तुच्छ ब्राह्मण समझ नहीं पाया, मुझे आभास भी नहीं होने दिया और मेरे सारे दुख दर्द और कंगाली को मेट दिया। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपके लिए भला बुरा समझा है। मुझे क्या पता कि तुमने मुझे कंगाल से राजा बना दिया। तुम धन्य हो कृष्ण, तुम धन्य हो।
जय हो बोलो गिरधारी त्रिलोकी नाथ की जय।